एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनी यादव। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं काफ़ी ज़्यादा। बट थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे व्लॉग को देख लीजिए और थोड़ा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। तो आज का जो मैं व्लॉग लेकर आई हूँ वो कुछ शादी से पहले की फ़ोटोज़ हैं, जिसमें मेरे काफ़ी सारे स्कूल फ्रेंड और जो हमारे घर के दोस्त होते हैं वो सारे ही हैं। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये ना मेरे पास रखी हुई थी बट ये फ्रेम में नहीं है। बट अब ये मुझे मतलब मिल गई है तो मैं इनको फ्रेम करा लूँगी। काफ़ी सारी फोटोज हैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं इनमें। होपफुली कि मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं खुद भी अभी आप लोगों के सामने देख रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी बट हाँ जल्दी कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी शेयर करने की। इसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं तो मैं किससे शुरू करूं। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये फोटो दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोग पहचान लोगे कि नहीं। ये मैं हूँ सीरियसली, और ये एक मैं जब फोटोज में क्लिक कराती थी तो वही साथ में ना मैं पीछे लिख देती थी उसकी डेट, 2010 की है मार्च मंथ की। ये शिवरात्रि की फोटो है जब मैंने फास्ट किया था, तो पता नहीं मेरा फास्ट था कि क्या था, मुझे याद नहीं एक्चुअली इतना। बट ये मेरे पास है तो मैं दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने सूट स्टिच कराया था ये एक्चुअली मैं 9th क्लास में थी, यानी हाँ 9th या 8th में थी जब मैंने स्टिच कराया था इसको। हमारे स्कूल में फंक्शन था, पंजाबी फंक्शन, उसके लिए इसमें ये हम सारे पंजाबी गेटअप में हैं और ये यहाँ पे पीछे मैं हूँ। और ये मेरे क्लासमेट्स हैं और स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये हम लोगों ने पंजाबी फंक्शन किया था, गिद्दा किया था एक्चुअली, उस टाइम की फोटो आई आप देख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे तो फोटोग्राफर हमें मिले तो एंड में हमने क्लिक करानी थी इसलिए मैं पीछे हूँ, वरना हम और भी फोटोज क्लिक कराते। बट ठीक है, याद के लिए ये भी है। और ये है जैन मंथ और 2010 की है स्कूल टाइम की फोटो। ठीक है, एंड जो मैं इसके बाद दिखाने वाली हूँ ये मेरे स्कूल फेयरवेल की है। सारे हमारा ग्रुप है 11th 12th का, हमारे ये ग्रुप था, हम इतने लोग थे ग्रुप में, इसमें से एक मिसिंग है बट हाँ इतने लोग थे हम। और ये भी काफ़ी हम लोग, ये फोटो एक्चुअली जिस दिन हमने ली थी हमारे स्कूल के जो फोटोग्राफर थे उनसे ली थी और उसी टाइम ये गिर भी गई थी, खो भी गई थी, तो बाई चांस ही हमें मिली थी इसलिए फट भी चुकी है, मतलब थोड़ा सा इससे डैमेज हो गई है। तो फिर कैसी लगी आपको, सबसे अच्छी कौन सी फ़ोटो लगती है आप जरूर बताना। ये भी मैंने शिवरात्रि पे ही क्लिक कराई थी, पहले गई इतना ज़्यादा पता नहीं था बट शौक था तो मैं क्लिक करा लेती थी। एंड ये है मेरे टीचर डे की फोटो। हाँ ये टीचर डे की फोटो है और ये बीच में हमारी क्लास की टॉपर है। कितने चेंजेस आ जाते हैं हमारे अंदर। और ये फोटो भी फट गई थी, पता नहीं कहीं से मिली है, ये रही मैं, सीरियसली गाइस आप बिलीव नहीं करोगे। एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, रीनी मतलब है मेरी था। और ये तो हम टाइम पास करते थे घर पे रह के। तो ये छत पे मैंने साड़ी पहनी थी, उस टाइम मैंने कटिंग भी कराई थी, आप देख सकते मेरे बाल कितने छोटे हैं। ये 12th के बाद की है। अरे ये मेरी फ्रेंड है इब्राना, तो ये फोटो ब्लर है क्योंकि फोन की है। तो ये हम लोग गए थे छतरपुर मंदिर, वहाँ की फोटो है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है पूजा, एक्चुअली हम लोग, ये मेरा घर का ग्रुप फ्रेंड है, मतलब हम लोग जो घर पे रहते हैं आसपास वो वाले फ्रेंड हैं ये सारे।
और इसकी शादी हो गई है कुछ दिनों बाद, मैं इसके साथ भी ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी इसकी शादी हुई है अप्रैल मंथ में। एंड ये मेरी फ्रेंड है गुड़िया, ये फेयरवेल की फ़ोटो है स्कूल के, हाँ स्कूल के बाहर की एक्चुअली। एंड ये हमारी टीचर है, हिंदी सब्जेक्ट की टीचर है निरुपमा मैम, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी हैं। एंड ये हम लोग जब छतरपुर गए थे तो फिर ये पुल पे हम लोग फोटो सेशन कराते हुए, उस टाइम इतना अच्छा क्वालिटी का फ़ोन नहीं था हमारे पास, बट जो भी था उससे हमने अपनी मेमोरीज को संभाल के रखी है। काफ़ी सारी फोटोज है गाइस, ये ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, हम पता नहीं कितने पुराने ज़माने के हैं। ये हाँ आदि है, ये उर्वशी है, ये प्रीति है, ये रही मैं। उस दिन मैंने और आदि ने साड़ी पहनी थी और उसके अगले दिन भी कुछ लोगों ने पहनी थी, उसके अगले दिन भी इसने पहनी थी प्रीति ने। ये तो प्रीति तो छोटी है हमसे। ये एक फोटो है क्योंकि मुझे ये वाली बहुत ही पसंद है। बहुत शौक था मुझे फोटो का शौक मुझे बहुत पहले से है और बहुत ज़्यादा ही है फोटो। ये फ़ोटो हमें मतलब कैमरामैन से हमने निकलवाई, फ़ोटो से संभाल के रखी है, फ़ोन से संभाल के रखी कि डिलीट ना हो जाए, चलो निकलवा लेते हैं। ये भी फ़ोन की फ़ोटो है, ये फ़ोटो मुझे अच्छी लगी थी। ये जब उस टाइम मेरे पास टच स्क्रीन फ़ोन न्यू आया होगा, उस टाइम की फ़ोटो है। बहुत ही शौक है फोटो का, कुछ यही था, कुछ यही फोटोज थी। और भी मुझे मिलेंगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो जो भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं और जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे टच में हैं, जिनके साथ मेरे पास फोटोज थी, मैंने वो सारी शेयर कर दी हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड मैंने एक ना अमेजोन से ऑर्डर मंगाया है, मैं वो भी दिखा देती हूँ एंड ब्लॉग एंड करने से पहले। एंड ये तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने मंगाया है की होल्डर, हाँ जी की होल्डर मंगाया, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। एंड मेरी कुर्ती और मैं कैसी लग रही हूँ, बिकॉज मैं इतना रेडी होके वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो हाँ वीडियो ना रेडी होके बनानी चाहिए तो अच्छा लगता है, वीडियो में भी मतलब देखने का भी इंटरेस्ट होता है। मैं थक जाती हूँ तो मैं इतना रेडी हो नहीं पाती हूँ, बट ठीक है आज मैं रेडी हुई थी तो मैंने कहा दो ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर मेरे को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं की होल्डर दिखाती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मुझे अच्छा लगे गणपति जी, आप लोगों को कैसे लगे आप भी बताना मुझे। कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ये होल्ड करने के लिए है और इसमें 1 2 3 4 5 6 तो ये मैं यहीं पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ। गणपति जी अच्छा लगे और अच्छा है जब भी हम घर से निकले तो गणपति जी पे नजर जाए, बिकॉज ज़्यादा टाइम निकलते टाइम हम कुछ ना कुछ अपनी चाबी, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, ऑफिस की चाबी के लिए ठीक है कि हम जाए तो अपनी चाबी ले, तो हाँ गणपति जी पे नजर जाए तो फिर हमारी जो ठीक है अच्छा रहे, मतलब पॉजिटिव रहे दिन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, सॉरी बाय टेक केयर एंड गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि मैं ये व्लॉग रात को शूट कर रही हूँ, अभी बज रहा है 8।